हेलो एंड वेलकम, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्पीड विद एक्यूरेसी। दोनों का अंतर समझाएंगे कि स्पीड और एक्यूरेसी क्या है और दोनों का जीवन में क्या रोल है। दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो हम कामयाबी कैसे जल्दी हासिल कर सकते हैं। स्पीड का मतलब रफ्तार से है और एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम में परफेक्शन कितना है, क्वालिटी क्या है, किस तरीके से हम उस काम को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो स्पीड विद एक्यूरेसी, राइट डायरेक्शन के साथ आप अपने मिशन को अचीव कर सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्शन से लेकर के आम जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में जब हम काम जल्दबाजी में करते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और काम जब हम बड़े आराम के साथ करते हैं, क्वालिटी के साथ करते हैं, तो वो चीज़ें पूरी हो नहीं पाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के स्पीड विद एक्यूरेसी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में जल्दबाजी में कई बार पेपर जल्दी में हल कर देते हैं और उस समय उनका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाता है। पेपर सॉल्व कर लेते हैं जल्दबाजी में और फेल हो जाते हैं। और सरल शब्दों में बात करें तो स्पीड विद एक्यूरेसी का मतलब जोश में होश। आप काम तेज़ी से कर रहे हैं तो आपको होश में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और जल्दबाजी स्पीड में आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं और एक्यूरेसी नहीं है तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाएगा। इसलिए स्पीड विद एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व है। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो दैवी सत्ता भी आपको सपोर्ट करती है। ये बिल्कुल सच है और प्रतीक मेरा के साथ यही हुआ। स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ काम था उनका और जो वह चाहते थे आज उनको मिला। आज प्रदीप मेरा आदमी में है, जैसे आप ढूंढ रहे हैं वह भी आपको ढूंढ रहा है। अगर आप कामयाबी को ढूंढ रहे हैं तो कामयाबी आपको ढूंढ रही है।